सत नाम जीवाहे गुरु साहिब। संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार। हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरण, संत कुमारी ओट सतानी, संत कुमारा गहना। फिरत फिरत प्रभ आया परिया तो सरनाई, नानक की प्रभ बिनती अपनी पगती लाए। ऊंची अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे, गावते उदरे सुनते उदरे बिन से पाप कनेरे। ज्ञान अंजन गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। मैं तान दीवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास। मैं होर था नहीं जिस पे करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। तुद आगी अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ न जाने मेरा। गुरु नानक एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, आयुनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जगान, सच नानक होसी पी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैरी अकाल मूरत, अयुनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अयुनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वैर
ज्ञायुनि सैभं गुरुप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुरुप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैभं गुरुप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहेगुरु जी हाँ प्रभ राख ले हो हाँ प्रभ राख ले हो राख ले हो सारे जपो हम ते किशु ना होए मेरे स्वामी हम ते किशु ना होए मेरे स्वामी अपना नाम दे हो हर कृपा अपना नाम दे हो हर कृपा अपना नाम दे हो तुसी कर कृपा अपना नाम दे हो हाँ हाँ प्रभ राख ले हो हाँ प्रभ राख ले हो हम ते किशु ना होए मेरे स्वामी हम ते किशु ना होए मेरे स्वामी हम ते किशु ना होए मेरे स्वामी जी कर कृपा अपना नाम दे हो हाँ हाँ प्रभ राख ले हो हम ते किशु ना होए मेरे स्वामी हम ते किशु ना होए मेरे स्वामी हम ते किशु ना होए मेरे स्वामी करे कृपा अपना नाम दे हो नहीं करे कृपा अपना नाम दे हो कर कृपा अपना नाम दे हो कर कृपा अपना नाम दे हो
राख ले हो, हा प्रभ राख ले हो, एक है दलिद्र, एक है उद्यम, एक है कलयुग। मुसलमान कहते शैतान, दूजे पासे खुदा, एक पासे कलयुग, एक पासे गुरु नानक। सावधान एकाग्र चित, जदों पाठ च मन ना लगे, सुस्ती पवे, दलिद्र पी पवे, निंद नींदर आवे, ते समझो कर्म माड़े। मन लगे शरीर च बल आवे, चंगे कर्मां दा साथ मिल रहा। नितनेम छुड़दा जा रहा, सिमरन भजन घटदा जा रहा, इंदे पिछे कोई विपता आ रही, कोई आफत आ रही, प्रेम वधदा जा रहा है, निम्रता प्रेम भगती वधदी जा रही है, इंदे पिछे बाबा नानक कोई बख्शिश भेज रहा है। बदल आ गया, ठंडिया हवा आ गई है, मुल्लेधार बारिश भी आएगी। थोड़ी थोड़ी लो पैन लग पी है, गर्मी आन लग पी है, इंदे पिछे अत दी गर्मी आएगी, पुन पुन के रखे। हर कार्य का सुनेहा पहलो पहुंच जाता है। बड़े बड़े बादशाह शाह खतरे पहलो ही घंटिया बज जाती है। माड़ा समा आने वाला है, उन्दे ते फिर सावधान, अपना नितनेम अपना आप नहीं कर सकता, पैसे नाल करा ला, तन नाल, तन नाल सेवा कर, मन नाल कर, तन नाल करा, पुन दान कर। संत जना पे करो बेनती, महापुरशां गुरसिखा अगे बेनती कर तोड़ लाए। बीमारी आफत किसी होर पासे दी निकल जाएगी, जड़ी तेरे ते आ रही है, तेरिया घंटिया बजा रही है, सुनेहा दे रही है। ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा है। इंदे हा हा दा मतलब भी हाय हाय, हाय दा जेड़ा पावे बहुत दुखी, भी मैनू राख लियो, मेरे तो कुछ भी नहीं हो रहा, तुसी कृपा करो, अपना नाम दियो। जेड़ी मजल सुनी दी औखी, ओ लंघ जाएगा सौखी। उठ स्नान करो प्रभाते, सोई हरे राधे, बिखड़े दाव लंघाए मेरा सतगुरु, सुख सह सेती कर जाते। अरदास गुरु दे चरणा विच, बेनती गुरु दे चरणा विच,
भाई मन सिंह जी कह रहे सी भी भेटा दे के भगती दे के गुरु साहब जी नू कहिंदे मुश्किल आई है ना ठीक है सारी रात अरदासां कर कैसो कैसो कूकिए ना सोइए असार सारी रात उंदे अगे कूक सौना कि जेड़ी आफते बीमारी है दुख है तेरे बड़े नुकसान करेगी बड़े फर्क पा देगी बड़ा दूर चला जाएगा उंदे वास्ते फिर ना सोइए असार रात दिवस के कूकने दिन रात दियां बेनतियां भगती रूपी कबू तो सुने पुकार किदे ता मालक बेनती सुनेगा पुकार सुनेगा हा हा प्रभ राख लियो मांपुर किंदे बाबा नंद सिंह जी महाराज कीर्तन होना तो जोर दी कहना जोड़ी बजाओ ओ कलयुग चढ़दा आउंदा उत्ते मारो तफाए उनके सिर ते पेंदी है कलयुग तां बाबा जी ने जेड़े तामे रखे सी आटे आले दाने आले नहीं भी दाने पुट के तफा बजे तो दाने तो खिलर के उधर जाने डुगियां जड़ियां होंदियां बाबा जी ने वड्डे वड्डे भांडे आटे आले ते जेड़े जोड़ी कुटन आले से उन्होंने कहते जोर दी मारे कल चुक दे सिर च पैंदी कीर्तन आलियां नूं कह रहे तगड़ा हो जदों तू कीर्तन करदा करदा तगड़ा होके करदा है ते कल चुक पिछे हटदा जांदा है बीमारियां दुख दूर होंदे जा रहे ने ते जदों तू ढिला ढिला करदा है वो फिर नेड़े आ रहे उन्हां दा जोर पै रहे बाबा खेम सिंह जी महाराज ने सुखमनी च 8-10 गेड़े संगत लाउणे ते ऐं बाहां मार दियां वी ढिले ना पवो तगड़े होवो जोर जोर दी करो पाठ सुखमनी बोल के ये नहीं कि असी अजोड़ी वाला चोर लावे असी बाजे वाले कीर्तन वाले ते तू ही सौ जो फिर कलयुग तो साढ़े कोल आ गया संगत सारी सुती पई ये कलयुग का घेरा इनू नाम बाणी दे नाल जोर जोर दी सिमर के हल्ले दे नाल पजाए सारा परिवार ही घर च लग जो सारे संगी साथी लग जो भाई साहब जी दे मां संपड़ पाड़ रखे भाई अमनदीप सिंह जी ने बुलाया भी तुहाडे भी मां संपड़ पाड़ रखने आ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਓ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਨਰੇਟਰ ਸੜ ਗਏ ਸਪੀਕਰ ਸੜ ਗਿਆ ਕਲਯੁਗ ਪੂਰੇ ਵਿਘਨ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਭਾਰਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜੋ
ਜੋਤ ਬੁੱਝੇ ਪਾਠ, ਇਹ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਗ ਸੜ ਜੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕੁਝ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਆਪਸ ਲੜ ਪੈਣ, ਲੜਾਈ ਪੈ ਜੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਇਹ ਪਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਪਾਰਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗਾਂਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਵਿਚੋਲੜੇ ਵਿੱਚੇ ਘੇਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਭਾਈ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਪਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਪਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਟੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਰੀਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਖੜਕਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਢਿੱਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਜਨ ਚੱਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ। ਹੁਣ ਕੇ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਓਏ ਬਰਾਗੀ ਤਿਆਗੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਿਣ ਤਿਸ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ, ਪ੍ਰੀਤ ਹਮਾਰੀ ਲਾ ਹੁਣ ਕੇ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਏ ਜਾਗੇ। ਪੜੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਛੇਤੀ, ਚੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਤਿਆਗੀ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਸ਼ਤ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀ ਜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰੁੱਖੇ ਮਿੱਸੇ ਜੇ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਓਏ ਬਰਾਗੀ ਤਿਆਗੀ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜੇ ਬਰਾਗੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਿਨ ਤਿਸ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ, ਪ੍ਰੀਤ ਹਮਾਰੀ ਲਾਗੀ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੀ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਬਸਤਰ ਧੋਣੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀਆਂ,
बाबा जी कहते ईश्वर तू अनपढ़ है, कुछ पढ़िया नहीं होया। ते बड़ी लोड़ है गुरबाणी की, कीर्तन भी आता होवे संगता च विचरना है, कथा भी अर्थ भी साखियां भी सब ते तू पढ़ ला, गुरु ग्रंथ साहिब की संथिया कर ला, कोई अर्थ पढ़ ला, संगता च विचरेगा लोड़े अर्था की गुरबाणी की। साढ़े गुरदेव ने लहरे खाने जिन्हों तो असी विद्या पढ़ी, ईश्वर तू उथे जा, एक होर गुरमुख नू तैयार करता। दो तीन जने तुसी साढ़े गुरुआ तो विद्या गुरु तो विद्या पढ़ के बाबा ईश्वर सिंह जी तो मच्छी वांगू तड़फन लगे विद्या गुरु कोल आए। दिन रात हो एक खिण तिस बिन रह ना सको प्रीत हमारी लागी, भी रहना ही बड़ा औखा, याद ही बड़ी आउंदी है। उथे पता ही नहीं सी दिन कदों चढ़दा है ते रात कदों पैंदी है, सवाह देंदे सी आ सेवा च विशा ही भुल जावे, याद ही ना रवे, मालक दी सेवा च लग जाए, गोला बन के लग जाए गोला, किसे दिया यादा ही ना हो। रवे दिन रात दा चेता ना होवे, भाई नंद लाल जी भुवा मार के रो पे गुरु गोबिंद सिंह जी कि महाराज मैं कोई उस्ताद कोई विद्या नहीं छड़ी पढ़न ते, बड़ी तुहाड़ी मेहर है, सारे गुरसिख बड़ा ही सत्कार करदे आ, बड़ा ही सुनदे आ प्रेम नाल, यह तो मेरी पढ़ाई है ते जेड़ी तुहाड़े सिखां दी पढ़ाई है ना, महाराज मैं रोना बह के अंदर वड़ के कि मेरे कोल नहीं है, पढ़ पढ़ के आलम फाजल बने आए। भुलिया पढ़ पढ़ के आलम फाजल बने, एक गल नहीं पढ़िया बस, बड़ी मैनू शर्म आउंदी है, गल्लां बहुत वड्डियां वड्डियां शरदा ते भावना ते प्यार दियां मैं करदा, पर अंदर खाली नाम बिन, अंदर मेरा खाली। बहुत रोना आउंदा है, एडे प्यार वाले गुरसिख तुहाडे चरणा विच आउंदे आ, महाराज जी भुल ही जांदे आ कि मेरा पुत भी कोई हैगा, घर भी हैगा, घर वाली भी कोई हैगी, किसे नू नहीं याद, इन्ने रंग चिरंगे। जद जाते आते बड़ी मजबूरी नाल मैं देखना, इन्हों का चित नहीं करता जान, जे जाके घर च रेंदे आ ते जान तो इतनी रह जाती आखो जी, जान हमारी जानी पिछे नैना रस्ते गई हो। कहिंदे बाजा वाले दे दर्शन किते सोहने सोहने, अखो अगो लंघ गए, इन्ने सोहने दर्शन सी कि मेरे तो जान ही निकल गई। ऐ भैन सहेली एक दूजी सहेली नू कहिंदी, लंघ गया गुरु कलगिया वाला अखा अगो सहीओ, जान साड़ी जानी पिछे नैना रस्ते गई हो, जान पिछे गुरु कोल ही रह जे,
महाराज जी घरे रहिंदे आ ते हर वेले तुहानू चेते करदे आ, हर वेले इन्हां दे मुख हिलदे ने, हिरदे भिजे होए ने, इत्थे रहिंदे आ, कोई चित चेता नहीं करदा परिवार दा। मैं तुहाडी सेवा च दिने रात रंग च मस्ते, इन्हां नूं कोई पता नहीं दिन कदों पूरा होंदा है ते रात कदों लंघ जांदी है, दिन रात ही लगे हुए ने सेवा। पर मैं ये चीज मेरे च नहीं बसदी, विद्या का घमंड अगे आके बह जाता है। मैं बड़ा दूर है इस तो, बेनतियां कीतियां, नाल ही रो पिया गुरु गोबिंद सिंह जी को कि मेरे ते कृपा किवें होएगी, मेरे ते भी मेहर करो। ना क्या जिमें पिछलियां संगतां तारियां, उवें जिमें तारो बाबा है। कलगियां वाले असाइयां वे सानू भी तार दे, बाजां वाले गुरु आवे मैनू भी तार दे। कलगियां वाले सानू तार दे, बाजां वाले साईं सानू भी तार दे। कलगियां वाले साईं वे सानू, सारे बोलो, कलगियां वाले साईयां वे सानू भी तार दे। बाजां वाले साईयां वे सानू भी तार दे। कलगियां वाले साईयां सानू तार दे। गुरु सिख
सानू तारे आयो में तार दे बड़ी भुख जेड़ी गल नंद सिंह लिखता है विद्या है उसे तड़फदा कि एडी वड्डी ये गल पर मेरे अंदर तो है नहीं एडा वड्डा सतगुरु मिले आए जे इस तो खाली चला गया तो फिर तक किसे जन्म नहीं मेला होन लगा देना इथो ना झोलियां भरिया तो फिर भरनगियां कितों सब तो वड्डा दरबार गुरु नानक साहब दा सब तो वड्डे मालक मेरा दे सागरा दे बेंती महाराज हुण बाबा ईश्वर सिंह जी दी अनपढ़ नहीं सेवा च लगे आ बाबा जी कहिंदे कुछ पढ़ ला गुरबाणी असीं भी अपने गुरदेव गुरुआं कोलों विद्या पढ़ीए जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे दर्शन होए हुक्म होया ऋषि जी पहलो विद्या पढ़ो उस्ताद गुरु दे कोलों दसन भी बाबा जी ने तीन कु साल रखे अपने को जोड़ी दे भी हाथ सिखाए बाबा ईश्वर सिंह जी बाबा साधु सिंह जी नु कहन लगे भी साधु हजूरी सेवा कर दे भी तू भी सीख ला बाजा जोड़ी बाजा सीखण कीर्तन वास्ते पहले जोड़ी जरूरी है तबड़ा ते इंदे दे हाथ बड़ा औखा मुड़दा एक मुंडा सी साडे कोल बाबा जी कहिंदे जा तू सीख आ ओ जाके सीख के आया पहला अक्खर जिहड़ा सी ओ कहिंदा सी धू नहीं मारना है धूं की आवाज निकली मार दू धू इनकी आवाज कड़नी पूरी फिर उस तो बाद खुले खुले हाथ दस दू ता दू नहीं नहीं ता हां जेड़ा पहले उस्ताद सिखाते थे ना खुले हथा दे बोल दूं ही सीधा ता इंदे नाल सी जी नाल हाँ ते फिर अगली पढ़ाई सी ता हाँ फिर ता ये ता अगे पहली उंगल ता फिर ये तीन ये नहीं किसी नूं आउंदी छेती अहीं हथ भी मार लीदा दूं ता ते फिर ता अगली अहीं मार ली दी कली ते जिहड़ी आ ती कढ़नी हुंदी बड़ी औखी ओह बड़े दिन लगे रहे ता 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 जे बाबा जी नूं कहिंदा मैं नहीं सिखदा भैन दे नहीं ती नहीं आउंदी ता 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 आ गया आम सुभाव की गाल बाबा ईश्वर सिंह महाराज बहुत हसे बाबा कुंदन सिंह जी महाराज दसते सी कहिंदे छड़ती मैं नहीं सीख सकता महाराज वो भैन दे नहीं तीं जी नहीं आउंदी
दास नूं भी बाबा जी ने भी उस्ताद जी ने भी सिखाया तू ता 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 तीन ए फिर तामे दा हथ हुंदा है फिर अगे इहदे भी पंज सत अखर हुंदे ना जिवें सारे गामा पादा नी सा फिर तिट हुंदी है तिट हां ये सारे पहलू अखर सीखने पैंदे आ मिठू एक मुंडा सी बाबा जी ने उन्होंने कहा तू जपजी साहब सानू सुना दे जो कहेगा तेनू वो दे देंगे वो जपजी साहब नहीं सुना सकिया सी संथिया कहिंदे लै मेहनत कर कहिंदे जा तबला सीख ला तबले दे विच जदों सिखाण पर दूं ता बाबा कहिंदे की सीखिया है कहिंदा धड़ूं कहिंदे इह किहड़ा अखर है कहिंदा जी मैं सिखिया धड़ूं उन्हें पता इन्हें कहना भी तू अई अगों उंगला चके इहदे नाल आवाज कढ़नी होंदी माजा तबला गुरु ग्रंथ साहिब दी संथिया बाबा जी ने थोड़ी थोड़ी मेहनत कराइया निके निके सी असी ग्यारह ग्यारह साल तीन साल रहा बाबा जी उस्ताद भी बुलाते सी पर असी सीखन ते घट टाइम लाई दा सी शरारत करनी कभी सरोवर च नहाउण चले जाना कभी गुरुद्वारे वाले गेड़े कढ़न कभी खेतां वाले पासे किते होर छड़प्पे मारन लग जाने मेहनत घट करी दी स्कूल च तां क्लासां पूरियां लग जांदियां दो तीन साल फिर बाबा जी ने थोड़े थोड़े जिहड़े सी कीर्तन दे तबले दे वाजे दे राग भी सिखाए कि एक एक वारी मैं जाके जवाब ही देता मैं बाबा जी मैं कहा जी मैं नहीं सीखना सुखना कीर्तन बहना पैंदा है मेहनत करनी पैंदी बाबा जी क्या सिख ला तेरे काम आएगा काम गुरु साहब दी हजूरी मर्दाने ने रबाब दित्ती सी फरंदे ने उन्हें क्या सी मर्दाने ने पैसे लेके गया सी पैन कोलो फरंदिया माया लैला रबाब कहिंदे रबाब तेरे वास्ते बहुत चिर दी मैं रखी मर्दानिया तेरे वास्ते ही उन्हें क्या भेटा लैला कहिंदा भेटा नहीं मैं लैनी भेटा तो जरूर लैनी ये एक पैसे दी भेटा नहीं लैनी भेटा मेरिया दो ने एक तो ये रबाब गुरु नानक तो बगैर किते होर ना बजे ते दूसरा जेड़ा मैनू उस जिंदे वास्ते तू रबाब लेके चलिया मैं भी जन्मा दा प्यासा ओनू उड़ीक रहा मैनू उन्दे निमख मात्र दर्शन करा दे आखो कहिंदे एक बारी दर्शन करके राजेंगा कहिंदा बस एक बारी दर्शन करके मैं उन्हू हिरदे च बसा लांगा ये आ दर्शन एक बारी दर्शन करके दर्शन हिरदे च वसा लए उहदे अनेक रूप ने वो कदे जांदा हिरदियां तों बाहर वो सारे कौतक करता
ਜਦੋਂ ਮਨ ਜੁੜ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਰਸ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਸਰੀਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਤੱਤ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਹਵਾ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅਗਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤੱਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਣ ਆ ਗਈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ, ਹਵਾ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਤਸੰਗ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੂਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਲੇ ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧੀ ਵੱਖਰੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਸੁਗੰਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਉਹ ਰਸ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਆਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸੁਗੰਧ ਆਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਜਾਂ ਸਿੰਟ ਜਾਂ ਤਰਫਲੇ ਬਿਨਾਂ ਛਿੜਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛਿੜਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਆ ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੁਗੰਧੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਆਈ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਈ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਹਵਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਤੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹਵਾ ਆਈ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਹਵਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਹਵਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੀ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਹਵਾ ਹੈ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਵਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਨਾਨਕਸਰ ਜਾਓ, ਪੁੱਛੋ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਪੜੇ ਹਾਂ ਇੱਕਣ ਤਿਸ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ, ਪ੍ਰੀਤ ਹਮਾਰੀ ਲਾਗੇ। ਉਨਕੇ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਹੇ ਜਾਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਬੜਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤ ਆਈ। ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ
रस आनंद वखरा है। उनके संग मोए प्रभ चितावे। बाबा ईश्वर सिंह जी कहते बहुत अदास विद्या पढ़ाते आ बाबा वधावा सिंह जी चित बिल्कुल नहीं लगता। गुरु साहब को जाके रोन लग पी बाबा जी की याद बड़ी आती है। हुण शरीर घटता जा रहा है याद खिच वधदी जा रही है। सच्चे महापुरशां की खिच सच्ची प्रीत मन तड़फदा है। बाबा वधावा सिंह जी जान गए काका तू उदास बड़ा है। खाण नू कोई जी ना करे पढ़न नू धक्के नाल पढ़न। कहिंदे जी मैं बाबा आनंद सिंह जी बगैर मैं रह नहीं सकदा। बहुत मेरे अंदर खिच पैंदी है। इत्थे मैं एक एक पल औखा करदा। एक एक घड़ी बाबा जी ने कोई महीनिया वास्ते किया है पर महीने मेथों नहीं लाए जाने मेरे वस नहीं। हाँ एक खिण तस्बिन रह ना सको प्रीत हमारी लागी। उनके संग मोए प्रभ चितावे संत प्रसाद मोए जागी अगे। सोने उपदेश पे मन निर्मल गुण गाए रंग रंगी। उन्हां दा उपदेश सुन के मन ही चिट्टा हो जांदा निर्मल हो जांदा। जेड़े गुण गाए दे रंग विच ते रंगी होई रंगी बिल्कुल रंगी रूह रंग रंगी। इत्थे क्या रंगी रंगिया जड़िया साहब दे रंग बिच रंगिया वे थाने ओह रूहां थाने ओह रूहां। जेड़े मार बिच रंगिया वे थाने ओह रूहां थाने ओह रूहां। जेड़े साई दे रंग बिच रंगिया वे थाने ओह रूहां थाने ओह रूहां। जेड़े साईं दे रंग बिच रंगिया वे थाने ओह रूहां थाने ओह रूहां। साईं दे रंग बिच रंगिया वे थाने ओह रूहां थाने ओह रूहां। जड़े साईं दे रंग बिच रंगिया वे थाने ओह रूहां थाने ओह रूहां। साईं दे रंग बिच रंगिया थाने ओह रूहां थाने ओह रूहां। तेरे साईं दे रंग बिच रंगिया थाने ओह रूहां थाने ओह रूहां। जड़े साईं दे रंग बिच रंगिया वे थाने ओह रूहां थाने ओह रूहां। साईं रंग बिच रंगिया थाने ओह रूहां थाने ओह रूहां। प्यार विच रंगिया तने ओह रूहां तने ओह रूहां।
खिच जिन्हां ने खादी ओ करे आराम नहीं बहिंदे नेहो वाले नैना की नींदर दिने रात पै बहिंदी ते जेड़े नंद लाल जी कहिंदे सी ना मेरी प्रीत नहीं लगदी मेरा प्यार नहीं लगता मेरा रस नहीं आता सिखां नूं बड़े रंग चढ़े आ रंग विच सेवा करदे आ रंग विच रंगे हुए चेता भुल जांदा घर दा घरे जाके भी गुरु नूं ही चितारदे रहिंदे आ किड्डियां वड़भागी ने किन्ने वड़भागी कि केड़ा वेला होवे गुरां कोल चले जाए ऐडे ऐडे काले गुरु वल तुरे ने कहिंदे कदों पहुंचांगे जा रहे पंछी उड़दे उड़दे जा रहे ने ते मैनू भी खंभ लग जाने मैं उड़ के पहुंच जा खोसी जे किते खंभ विकदे होण सावे शरीर दे सावे तोल च लै लो ते उड़ के चला जा लांस सज्जन टोल सारी गुरबाणी बड़े प्यार दिए प्रीत दिए असी मंगा तक जुड़े होने भी मैनू आ जाईदा आ जाईदा है मेरा आ दुख कटिया जाए आ कटिया जाए लोड़ वास्ते मतलब वास्ते गुरु नूं जपदे आ प्रीत नहीं लगती प्रीत महंगी है ये सस्ते सौदे ने सारे काम परे तो सिमरिए ऐसा सिमरो नित प्रीत ला गुरु नाल हाँ जी सुन उपदेश अगे एहो मन दे किए संत मीता कृपाल पए बड़ भागी मैं अपना मन देखे मन दे के संतां नूं आपदा मित्र बनाया जी मन तुहाडे चरणां च ही रहेगा मैं भावें जिथे मर्जी सेवा च रवां इधर जावां उधर जावां मन तुहाडे चरणां च मैं संतां नूं भेटा दित्ती मन दी कोई बहुत सुंदर नारी सी गहने पहने सी किसे ओहो जे पखंडी संत दे कोल चली गई कहिंदी महाराज नाम दियो सिमरन दियो कृपा करो कहिंदे बीबी भेटा देनी पैंदी कहिंदी हां महाराज जी मैं भेटा देंगी मैनू नाम मिल जे सत्संग प्यार गुरु की भगती मिल जाए मैं भेटा देंगी कहिंदे भेटा नाम तो मिल जाएगा ते आ जिहड़े बीबी तू गहने जे पाए आ ये सारे विच अड़िका ही नहीं ये ला के ढेरी कर दे फिर तेनू असी नाम भगती सिमर देंगे गहने ते मन लोच गया कहिंदी बाबा जी जे मैं ला के चली गई ना ते मेरी ता मेरा ता चम देड़ देणगे घर दे मेरे पति सस सारिआं ने मेरे दुआले हो जाणा कित्थे दे आई ये गहने जिहड़े ये किहनूं दित्ते ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਜਾਈ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਭੇਟਾ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਧਨ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਨੇ ਮੇਰਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਧਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ ਪਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮਨ ਲੈ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸੌਦੇ ਹੀ ਧਨ ਦੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਪਰ ਮਨਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤਾਂ ਮਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਕੀਏ ਸੰਤ ਮੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਮਨ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਦਾ ਮਨ ਦੇ ਕੇ। ਆਖੋ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਪਹਿ ਵੜ ਪਾਗੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ, ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਬਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਰੇਨ ਨਾਨਕ ਜਨ ਭਾਗੀ। ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਮਹਾਂ ਸੁੱਖ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ। ਮਹਾਂ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ ਰੇਨ ਨਾਨਕ ਜਨ, ਰੇਨ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਬਾਬਾ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਕਲਾ ਲਏ ਸੀ ਬਾਬਾ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਡਾਢੀ ਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਹੈ ਵੀ ਐਸ ਜਨਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਝਿੜਕਣ, ਬਾਬਾ ਵਧਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਫਿਰ, ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦੀ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਥਾ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੈਸ਼ਟਾਂ ਸੁਣੋ, ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਣਭਾਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾੜਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਅਣਭਵੀ। ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚੋਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਮੇ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹ, ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ
बाबा जी कह लगे जा। बाबा नंद सिंह जी कहते जी आ गया तू भाई, तू तो रहना सी विद्या पढ़नी सी। बाबा जी मैं रह नहीं सकता, मेरा मैं तो एक एक पल औखिया कढ़िया, पल पल बीते सदियां वांगू बाबा दर्श दिखा रहे, ते अखियां दा मैं फर्श विछावा उत्ते चरण टका रहे। मेरे तो पल पल सदियां वांगू बीती, क्यों विसरे लाल प्यारो सर्व गुणा सुखदा। जेड़ा चार पैर चो युगे समानी, चार पैर लंगे समझो चार युग बीत गए, रहन पई तो अंत रात दा पता ही नहीं किन्नी गोखी। अखीर ते उस शब्द दे विच लिखिया है, क्यों बिसरे लाल प्यार सर्व गुणा सुख दायो। ए विसरे ही ना, ए लाल प्यारा विसरे ही ना, सर्व गुणा सुखदाय हुण नहीं शंदरे शिरो मायो। पहलो बड़े संदेशे भेजे, स्नेहे भेजे, हुण प्यारे नाल मेल हो गया, हुण संदेशे खत्म। बाबा जी कह लगे जा तेनू विद्या आ जाएगी। उन्हें चार अखर पढ़ाया, थोड़ी जी अर्थ व्याख्या दिती है। मैं नहीं रह सकिया, मेरा जी नहीं लगता। उन्होंने फिर अवस्था वेख के भेज दिता है। बाबा कहते ठीक है, फिर सेवा विच लग गए। दिन रात दियां सेवा ने ओ, जिथे पता नहीं किन्ने को ज्ञान, किन्ने को विराग, किन्ने को ध्यान जेड़े विच्चे ही आ जाते हैं। गुरुआं दी सेवा च सब कुछ ही आ जाता है। सेवा प्रभ मेरे ओए बैरागी त्यागी, बड़े बैरागी ने बड़े त्यागी ने, मैं उन्हां बिना खिन नहीं रह सकता, मेरी प्रीत लगी हुई है। उनके संग मोए प्रभ चेता आवे, उन्हां दे नाल मैनू बड़ा ही रब चेते आउंदा है। दिन रात पता नहीं किवें बीत जांदा, कोई थकावट नहीं गुरु दे चरणा च, कोई बदे छटी नहीं। प्यारे नाल प्रीत पालो, नाम ही जपिया जाएगा, सेवा भी कीती जाएगी, भजेगा सेवा नू शरीर, नाम ही जपेगी रसना, हिरदा भी बोलेगा। ऐना इतों तक गल पहुंच जाएगी कि तेरा रोम रोम। कहिंदे बाहू दी लिखी हुई है ने, सुल्तान बाहू कहिंदे ए तन सारा अखियां हो। उन्होंने चश्म लिखिया, मैं मुर्शिद देखना रजा हूं। कहिंदे एक एक रोम विच कोट कोट अखी, एक खोला ते एक कज्जा हूं। साड़ी एक अखी चोर बन जांदी है गुरु तो पाई दी इधर उधर नहीं। वह कहिंदे मेरे तो रोम रोम विच करोड़ा करोड़ा अखा लग जा, तो मैं देखी जावा। कहिंदे इन्नियां नाल भी सबर ना आवे, मैं होर अखियां वाल भज्जा हूं, होर मैनू मिल जावे। कहिंदे पर एक गल ही, किन्ने जप तप कर लो, किन्नियां भगतियां सिमरन कर लो, किन्ना कुछ कर लो, ते जेड़े आपदे गुरु दे मुर्शद दे दीदार ने ना। कहिंदे मुर्शद दे दीदार बाहू लख करोड़ी हज्जा हूं, आपदे मुर्शद दे दर्शन जेड़े ये लखां ते करोड़ां हज दे बराबर है। एक हज करके आया हाजी बन गया है, पर मेरे मुर्शद दे जेड़े दीदार ने लख ते करोड़ां हज है।
ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਜੁੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ।